जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गो माता, जय राधे श्याम। और आप सब कैसे हैं? आप देख रहे हैं तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल, और इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं माता पिता का कर्तव्य अपने बच्चों के प्रति। बच्चों का बहुत कर्तव्य होता है माँ बाप जी के प्रति, तो माता पिता का भी कर्तव्य होता है अपने बच्चों के प्रति। बच्चों को उनके पैरों के ऊपर खड़ा कर देना, ये माता पिता का कर्तव्य है। स्वयं भूखे रह लेना और बच्चों का उत्कर्ष करना, यह भी माता पिता का बिल्कुल कर्तव्य ही है। यम माता पितरौ क्लेशम सहते संभवे नडाम। माता पिता बहुत क्लेश सहन करते हैं बच्चों को खड़ा करने के लिए, इसलिए बच्चे माता पिता से इसलिए कभी उर्ण नहीं हो पाते। तो इस वीडियो में हम कुछ माता पिता के कर्तव्यों का वर्णन कर रहे हैं। चतुर्वर्षावधि सुतान लालयेत पालयेत पिता ततो षोडश वर्ष पर्यंतम गुणान विद्याम च शिक्षयेत। इस श्लोक का अर्थ है, पिता को चाहिए 4 वर्ष तक बच्चे का लालन पालन बहुत ध्यान से समय दिया जाए उनके लिए, तो 4 वर्ष तक उनका लालन पालन, और 5 वर्ष से लेकर के 16 वर्ष तक उन्हें विविध गुण और विद्याओं की शिक्षा देनी चाहिए। यह माता पिता का कर्तव्य है। बच्चा जैसे ही 5 वर्ष में लग जाए तो फिर ये नहीं कि छोटा है, फिर उनको ढालने की कोशिश कीजिए, उनके अंदर गुण डालिए, उन्हें संस्कार दीजिए, उन्हें कुछ अच्छी सी बातें बताइए। 4 वर्ष तक ही उनका लालन पालन का समय है। जैसे ही वो 5वें प्रवेश करते हैं बच्चे, तो 5 वर्ष से लेकर के 16 वर्ष तक की उम्र तक के लिए कहीं बिल्कुल कमी ना रह जाए आपके प्रोग्रेस करने में, आपके उत्कर्ष करने में। ततो 16 वर्ग पर्यंतम गुणान विद्याम च शिक्षयेत। आप 16 साल की उम्र तक ही इनमें गुण भर सकते हैं, इन्हें दिव्य बना सकते हैं, इसके बाद तो ये तुम्हारी हाथ मुट्ठी से बाहर चले जाएंगे। कस्तूरी की क्यारी करी केसर की दीनी खाद, पानी दियो गुलाब को फिर तो रही प्याज की प्याज। तो इसका मतलब है 5 वर्ष से लेकर के 16 साल तक का जो समय है, ये बच्चों के लिए बहुत ज्यादा बनने के लिए, इसमें माता पिता के पूर्ण संस्कार इन बच्चों को मिले। मैं तो कहूंगा कि 16 साल से पहले इन बच्चों को अपने आप से बहुत ज्यादा दूर मत भेजिएगा, ठीक है? बहुत ज्यादा दूर नहीं, तो यह नहीं है कि छोटे बच्चों को आप अपने आप से इतना दूर कर दें। चलो ठीक है, स्कूल में वो पढ़ने के लिए भी जाते हैं, जैसे हमारे यहाँ 12-14 साल के बच्चे गुरुकुल में पढ़ते हैं, तो जब भी अपने घर आते हैं तो उनको आप टाइम दीजिए, समय दीजिए, उनके पास बैठिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और मैं तो कहूंगा पूरी प्रकृति के ऋण से वो माता पिता मुक्त हो जाते हैं जो अपने बच्चों को होनहार बना देते हैं। माता सुमित्रा ने तो रामायण में यहाँ तक कह दिया है कि वही माँ माँ कहलाने की अधिकारी है जिसने भगवत भक्त को जन्म दिया है। पुत्रवती जुवती जगत सोई रघुपत भगत जास सुत होई। नहीं तो नतर वांज वल वाद व्यानी शब्द का प्रयोग किया है, जो कि पशुओं के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है। इस वीडियो के माध्यम से मैं बोलूंगा आपके बच्चे 5 साल से और अब अधिक के हो गए हैं, तो उनके पास थोड़ा बैठिए, उनको अपने पास बिठाइए और उन्हें धार्मिक बनाइए, उन्हें पारमार्थिक बनाइए। यह माता पिता का कर्तव्य है, ये माता पिता का धर्म है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए, वीडियो पूरा सुना है, अपना ध्यान रखिए। अगली वीडियो में फिर मैं मिलता हूँ, जिसमें बच्चों के द्वारा माता पिता के प्रति क्या धर्म है, क्या कर्तव्य है, यह वीडियो आप सुनेंगे। इन शब्दों के साथ जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय गो माता, जय राधे श्याम।